और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने आ गई है। कांग्रेस ने 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको जानकारी दें कि सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट दिया गया है। कई नाम है, 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस तीसरी लिस्ट में किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई नाम है इसमें। आपको जानकारी दें, पंचकुला से चंदेर मोहन को टिकट दिया गया है, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी दें तो यमुनानगर से रमन त्यागू को यहां पर टिकट दिया गया है। कई ऐसे नाम है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं। मोहित, तीसरी लिस्ट कांग्रेस की सामने आ चुकी है, बड़े नाम है इस लिस्ट में। देखिए, बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और आज जो है अगर हम बात करें तो कुछ मिनटों के बाद जो है आखिरी दिन है, 12 अगर तारीख का आखिरी दिन है, 11-12 सितंबर आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और आखिरी दिन हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें सबसे जो बड़ा नाम है हम ये कह सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का नाम नहीं है, कुमारी शैलजा का नाम नहीं है, दीपेंद्र हुडा का नाम नहीं है, जो लगातार पार्टी अलाकमान ने कहा था कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है कैथल से। इसके अलावा कुमारी शैलजा को कहा जा रहा था कि सिरसा से वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन न्यूज नेशन ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर कयास लगाया जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने खबर बताई थी कि दोनों ही चुनावी मैदान में नहीं उतरने जा रहे हैं और इस पर मोहर लग चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें फतेहाबाद से, तो फतेहाबाद से लगातार विनीत पुनिया जो पार्टी के सचिव है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, वो हाँ से वो टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट यहाँ से काट दिया गया है उनकी जगह। हालांकि देखना होगा कि जो लगातार सोच समझ कर और तमाम बैठकों के बाद जब इन नामों का ऐलान कर दिया गया यहां पर, तो आने वाले वक्त में जनता आखिर किसे चुनती, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारियों तक पहुंचाने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।